नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जल जीवन हरियाली दिवस पर पटना में हुआ परिचर्चा का आयोजन। समीक्षा भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े डीएम समेत कई अधिकारी। नगर आयुक्त के नहीं रहने से कचरा उठा, वाहन को नहीं मिल रहा डीजल। बेपटरी हुई शहर की सफाई व्यवस्था। इंटरमीडिएट की परीक्षा से दूसरे दिन भी कई छात्राएं हुई वंचित। परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने किया जमकर हंगामा। भाई के बदले परीक्षा दे रहा मुन्ना भाई गिरफ्तार, जांच के दौरान हुआ खुलासा। और कड़ी सुरक्षा के बीच हुई सिंडिकेट की बैठक, विरोध में एबीवीपी ने प्रभारी कुलपति का फूंका पुतला। अब समाचार विस्तार से। सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है। इसी को लेकर मंगलवार को भागलपुर के समीक्षा भवन से डीएम समेत कई अधिकारी वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से आयोजित पटना स्थित अधिवेशन भवन से जुड़े। इस दौरान पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य भर में आयोजित परिचर्चा के दौरान वक्ताओं ने मानव जीवन में वन की भूमिका और महत्व पर चर्चा की। जल जीवन हरियाली अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण और जल स्रोतों का समुचित संरक्षण करना है। परिचर्चा के दौरान वन एवं पर्यावरण विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक समेत विभिन्न जिलों के डीएम, डीडीसी, डीएफओ और डीआरडीए निदेशक भी उपस्थित रहे। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर में जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत संचालित मौसम अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय कुलपति डॉक्टर आर के सोहाने की मौजूदगी में सभी किसानों को मौसम अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए गए फसलों का किसानों के समक्ष प्रत्यक्षण किया गया। इधर भागलपुर नगर निगम सभागार में मंगलवार को अधिकारी और कर्मचारियों ने बिहार सरकार के अभियान को लेकर बैठक की। वहीं जल जीवन हरियाली अभियान का असर बिहार में दिखना शुरू हो गया है। अगले एक से डेढ़ साल में राज्य की तस्वीर बदल जाएगी और इसका व्यापक असर दिखने लगेगा। आज ये बात नगर निगम में जल जीवन हरियाली को लेकर आयोजित संगोष्ठी में सामने आई। इधर उपनगर आयुक्त प्रफुल्ल यादव, सिटी मैनेजर रवीश वर्मा और कार्यालय अधीक्षक शब्बीर अहमद ने कहा कि जल जीवन हरियाली दिवस अभियान के जरिए शहर को सुंदर बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, साथ ही इसकी समीक्षा भी होगी। आज जो है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार के निर्देशानुसार पूर्व माह में ही ये निर्देशित किया गया था कि महीना के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली विषय पर संगोष्ठी, अन्य कार्यक्रम जिससे जनजागरूकता अभियान चले और अपने अपने क्षेत्र में इस तरह की चर्चा परिचर्चा कर लोगों को अवगत कराए, उसी क्रम में आज फरवरी माह की प्रथम मंगलवार को पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण संबंधित विषयों पर चर्चा की जा रही है। एक तरफ स्मार्ट सिटी को स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग दिलाने के लिए निगम प्रशासन की ओर से लोगों से शहर में साफ सफाई बनाए रखे जाने की अपील की जा रही है, तो दूसरी तरफ शहर के सभी चौक चौराहों पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। दरअसल पिछले एक महीने से नगर निगम में नगर आयुक्त की कुर्सी खाली है, जिस कारण वित्त से जुड़ी फाइलें पेंडिंग है और अब स्थिति यह हो गई है कि निगम के कचरा उठा वाहन को जिस पेट्रोल पंप से डीजल मिलता था उसने तेल देने से साफ इनकार कर दिया है। निगम पर पेट्रोल का लगभग 21 लाख रुपए से अधिक बकाया है और 1 फरवरी से निगम के ऑटो टियर में डीजल नहीं है, जिस कारण शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। निगम के एक कर्मी ने बताया कि एक माह में लगभग 20 लाख रुपए का डीजल खपत होता है। वहीं सरकार ने प्रभारी नगर आयुक्त को फाइनेंस पावर नहीं दिया है, साथ ही कर्मचारियों को जनवरी माह के वेतन एवं पेंशन भुगतान की चिंता भी सता रही है। इधर भागलपुर नगर निगम में स्थायी तौर पर नगर आयुक्त के नहीं रहने से कार्य व्यवस्था पर खासा असर पड़ रहा है और कार्यों के निष्पादन की रफ्तार थम सी गई है। वहीं इसे पटरी पर लाने के लिए मेयर सीमा शाह लगातार सरकार से स्थायी नगर आयुक्त की मांग कर रही है, साथ ही समस्या समाधान के लिए मेयर ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मुलाकात करने की बात भी कही। हम नगर आयुक्त के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से जल्द नगर आयुक्त को भेजा जाए, क्योंकि एक महीना हो चुके हैं और शहर अब परेशानी में है कि अब आज के दिन 2 तारीख को तेल जो मिल रहे थे
वो आज तेल बंद हो गया तो शहर सफाई का एकदम व्यवस्था ठप हो जाएगी, इसमें शहर को बहुत परेशानी है। इंटरमीडिएट परीक्षा के दूसरे दिन मंगलवार को जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों का जामवाड़ा लगा रहा। वहीं पहले दिन परीक्षा के दौरान सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर एसएम कॉलेज में हुए विवाद से प्रशासन और शिक्षा विभाग ने कोई सीख नहीं ली, जिस कारण मंगलवार को भी एसएम कॉलेज में प्रवेश को लेकर परीक्षार्थियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच नोकझोंक हुई। हालांकि सूचना मिलते ही सदर एसडीओ आशीष नारायण, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, सीटीएसपी पूरन कुमार झा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू किया। वहीं छात्राओं ने कहा कि पहले दिन दो भवन में सेंटर बनाए गए थे, जिस पर नोटिस बोर्ड नहीं लगाने के कारण समय पर परीक्षार्थी नहीं पहुंच सके, जबकि दूसरे दिन एक सेंटर पर ही दोनों सीटिंग की परीक्षा ली जा रही है, जिसकी सूचना परीक्षार्थियों को नहीं दी गई थी। जानकारी के अभाव में कई परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई। इधर सदर एसडीओ ने कहा कि छात्राओं को समझा बुझा कर शांत कराया गया है और जिन परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई है वो अप्रैल माह में परीक्षा दे सकेंगे। डीईओ संजय कुमार ने कहा कि छात्रों की अधिक संख्या होने के कारण अलग सेंटर बनाया गया है, जिसको लेकर परीक्षार्थियों को कुछ गलतफहमी हो गई है। कल हम एग्जाम देने के लिए आए, दो घंटा लेट हुआ तो हम लोगों का लेट नहीं हुआ, स्कूल वाले से लेट हुआ है, तो हम लोगों का 7 बजे तक एग्जाम लिया गया है तो वो ठीक है। आज सिर्फ 10 मिनट लेट हुआ था, 15 मिनट ने नहीं दिया जा रहा था, फिर अभी कहा गया कि अप्रैल में आप लोगों का एग्जाम होगा। सब टाइम पर आए थे वो वाले कॉलेज में, एसएम वाले कॉलेज में, और हम लोग घूम रहे थे कॉलेज में, हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग का सेंटर यहाँ पहुँच गया। जब हम लोग घूमने लगे बोले टाइम हो गया, हम लोग एग्जाम क्यों नहीं हो रहा, तो हम लोग मैम लोग से पूछा एक तो कि मैम हम लोग का देखिए एग्जाम है मैम क्या नहीं होगा। मैम बोली नहीं तुम लोग का यहाँ पर नहीं, हम लोग को नहीं पता, हॉस्टल में जाके पता करो। हॉस्टल में जाके पता करो तो बोला कि यहाँ तुम लोग का सेंटर पहुँच गया। कुछ बच्चियाँ लेट आई हैं एग्जामिनेशन में, जिनको प्रवेश नहीं करने दिया गया था, वो लोग शोर मचा रही थी, उन्हीं के सूचना मिली कि उनके द्वारा कुछ यहाँ पे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की जा रही है, तो देखने आए, उन लोगों को समझा दिया गया है, वे लोग कल से एग्जामिनेशन देंगी और आज का जो उनका एग्जाम जिसमें लेट आई थी वो अप्रैल में एग्जामिनेशन होंगी, उस एग्जामिनेशन में अपियर होके फिर अपना रिजल्ट आगे प्राप्त करें। बांका के अमरपुर सीएमएस हाई स्कूल शाहपुर केंद्र पर विद्यार्थी के बदले परीक्षा देते उसके भाई को गिरफ्तार किया गया। मामले को लेकर केंद्राधीक्षक रेणु देवी ने बताया कि इंटर की परीक्षा के लिए एसपीएस कॉलेज शंभूगंज के प्रिंस कुमार यादव ने फॉर्म भरा था। पहले दिन दूसरी पाली में परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी को उस पर शक हुआ, जिसके बाद केंद्र के मजिस्ट्रेट बीएचओ सूरज कुमार और वशीम अकरम द्वारा उसकी जाँच की गई। जाँच के दौरान पहले तो छात्र ने खुद को ही परीक्षार्थी बताया, लेकिन जब उसके हस्ताक्षर का मिलान किया गया तब उसने स्वीकारा कि परीक्षार्थी प्रिंस यादव का भाई है, जिसके बाद फर्जी परीक्षार्थी दुलार कुमार को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक मंगलवार को लालबाग स्थित कुलपति के आवासीय कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने की। वहीं सिंडिकेट सदस्यों ने 22 जनवरी को हुए सिंडिकेट की बैठक में वित्त को संपुष्ट किया गया। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट प्राकलन को सदन के पटल पर रखा गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि अगर इनमें कोई संभावित त्रुटि रह गई है तो उसे सीनेट की बैठक के पूर्व गठित समिति द्वारा सुधार कर लिया जाएगा। सिंडिकेट में 23 जनवरी तथा 30 जनवरी को वित्तीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय से संबंधित वित्त की संपुष्टि की गई। वहीं 25 जनवरी को आयोजित एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय को भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। खास बात यह रही कि 1 फरवरी को संपन्न हुए पद सृजन अंतरलीनीकरण एवं स्थिरीकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में 79 शिक्षकों के सर्विस को कन्फर्म किया गया और इन शिक्षकों की सेवा उनके योगदान की तिथि से कन्फर्म करने पर सहमति बनी। वहीं विश्वविद्यालय पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि सिंडिकेट की बैठक में समृद्ध महाविद्यालय एवं 2 अंगीभूत महाविद्यालयों में पद सृजन समिति द्वारा अनुशंसित पद को सृजित करने के लिए संपुष्ट किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आयोजित सिंडिकेट बैठक का विरोध किया। इस दौरान एबीवीपी के विश्वविद्यालय संयोजक संजय झा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष सिंह तोमर समेत कई कार्यकर्ताओं ने कुलपति आवास के सामने प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी का पुतला दहन किया। वहीं संजय झा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन फर्जी मुकदमे के बल पर छात्रों की मांग को दबा रहा है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डॉक्टर संजय चौधरी को हटाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगा। मौके पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रभारी कुलपति पर कई गंभीर आरोप भी लगाए।
पिछले 22 तारीख को सिंडिकेट की बैठक थी, जिसमें हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया था। बदले में इस फर्जी और भ्रष्ट कुलपति ने हम लोगों के ऊपर मुकदमा किया। इनको लगा कि हम मुकदमा करके छात्रों के आंदोलन को, विद्यार्थी परिषद के आंदोलन को दबा देंगे, लेकिन ये इस भ्रम में है। मैं इसके भ्रष्टाचार को लगातार उजागर विद्यार्थी परिषद और मैं करता रहूंगा, क्योंकि ये भ्रष्ट है, इनकी डिग्री भी भ्रष्ट है। ये बताए फर्जी कुलपति कि इनका प्रमोशन कब हुआ, क्या ये प्रोफेसर है या नहीं है, ये भी बताए। भागलपुर पीरपैंती उल्टा पुल संख्या 91 के निर्माण में हो रही देरी और रेल से जुड़ी अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ की ओर से 7 फरवरी को पीरपैंती स्टेशन पर धरना दिया जाएगा। मंगलवार को भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान और अधिवक्ता डॉक्टर राजेश तिवारी ने ये बातें कही। इस दौरान विष्णु खेतान ने कहा कि ओवरब्रिज 12 दिसंबर 2019 को तोड़ा गया था, लेकिन अब तक इसका निर्माण नहीं होने से इलाके के लोगों को शारीरिक और मानसिक यातना से जूझना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेल प्रशासन जानबूझकर ओवरब्रिज का बजट बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य में देरी कर रहा है। इसके अलावा संघ के अध्यक्ष ने ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत हेडक्वार्टर और VIP कोटा की जाँच कराए जाने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश टंडन, अभिषेक जैन, प्रकाश गोयनका समेत कई लोग मौजूद थे। सर्वप्रथम हम लोगों ने पूर्व में रेलवे बोर्ड से लेके रेल मंत्री से, साथ ही महाप्रबंधक ईस्टर्न रेलवे, बिहार के ADGP रेल, सभी को सूचना दी गई है कि 7 फरवरी को महाधरना होना तय हुआ है, जिसकी सूचना सभी आला अधिकारी के साथ साथ जिला प्रशासन भागलपुर को भी दी गई है। ये महाधरना जो उल्टा पुल पीरपैंती में है उसको लेके, साथ ही साथ ट्रेन में पेंट्री कार की समस्या को लेके, आए दिन ट्रेनों के अंदर में पेंट्री कार के द्वारा ओवर चार्जिंग की समस्या ये कई वर्षों से चली आ रही है, उनको बिल देना है, ये सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, बिल नहीं तो पैसा नहीं। भागलपुर नगर निगम में 3 साल बाद एक बार फिर जनता की समस्याओं के निपटारे के लिए जनता दरबार लगाया गया। दरअसल आज मेयर सीमा शाह ने अपने चैम्बर में सभी 51 वार्डों की समस्या समाधान हेतु जनता दरबार लगाया था, लेकिन मेयर के दरबार में बहुत ही कम लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। वहीं महापौर की जनसुनवाई में सबसे पहला आवेदन वार्ड नंबर 31 से आया, जिसमें शिकायतकर्ता ने संवेदक पर वर्क ऑर्डर मिलने के बाद भी काम शुरू नहीं करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद मेयर ने नगर प्रबंधक रवीश चंद्र वर्मा और संबंधित शाखा से जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई के लिए सख्त दिशा निर्देश दिया। जनता दरबार को लेकर मेयर सीमा शाह ने कहा कि किसी भी वार्ड के नागरिक या पार्षद मंगलवार को निगम कार्यालय आकर उनके समक्ष अपने वार्ड की समस्या रख सकते हैं। 51 वार्ड है, 51 वार्ड का जनता समस्या जो है, मतलब बहुत चीज का समस्या होते हैं, तो इसीलिए आज मंगलवार दरवाजा, पहले भी मंगलवार को हम जनता दरबार लगाते थे, तो बीच में उनका समस्या कुछ ऐसी कमी थी, मतलब नहीं हो पाया था, तो इस कारण से मतलब जनता दरबार थोड़े दिन के लिए रुक गए थे। तो अब घर पे ही जनता सब आते हैं, तो हम चाहते थे कि फिर से हम जनता दरबार चालू करें, ताकि जनता का हम हर निदान को, हम समस्या को दूर करें। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, नॉन AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वर्ष 2021-22 का बजट संसद में पेश किया। वहीं आम बजट पर स्थानीय लोगों, व्यवसायियों, नेताओं एवं गृहिणियों ने मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की।
कुछ लोगों ने बजट को चुनावी करार दिया तो कुछ लोगों ने इस बजट को मंदी के दौर में नकारा बताया। लोगों ने कहा कि कोरोना के दौर में लोग एक मजबूत बजट की आशा कर रहे थे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इधर केंद्रीय बजट को लेकर भागलपुर नगर निगम की मेयर सीमा शाह, नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी और शिक्षाविद डॉक्टर पंकज टंडन ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। बजट अच्छा है युवा के लिए और जनता के लिए भी और किसान के लिए भी, हम सबों के लिए भी। ये बजट बिल्कुल ही गलत बजट है, गरीबों का खून चूसने का बजट है। कीमत पेट्रोल डीजल जिस पूरी दुनिया की चक्की चलती है उसको बढ़ा देना हर कारोबार पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, जब बजट आने का समय होता है तो लोग उत्साहवर्धक होते हैं कि कुछ मुझको मिलना है, और व्यक्ति विशेष अपने बारे में ही ज्यादा सोचता है, जबकि सच्चाई ये होती है कि एक जो बजट बनाते हैं वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था और सभी बातों को देखकर बनाते हैं। तुरंत की प्रतिक्रिया कुछ हो सकती है, लेकिन जब उसका एनालिसिस किया जाएगा तो माना जाएगा कि इस बार का जो बजट है वो दूरगामी परिणाम के साथ आया है, और कोविड काल में हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट देखा है बनाया है बहुत ही सोच समझकर बनाया है। भागलपुर रेकाबगंज स्थित मिलिया कॉन्वेंट स्कूल अब नई सुविधाओं के साथ शिक्षा की अलग जगाने जा रहा है। स्कूल प्रबंधन ने वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए दो शिफ्ट में नए सत्र से कक्षा संचालन की व्यवस्था की है। वहीं मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल के सचिव इंजीनियर राशिद इकबाल ने बताया कि क्लास प्ले ग्रुप से 10वीं तक मॉर्निंग शिफ्ट, जबकि क्लास 6 से 12वीं तक आफ्टरनून में कक्षा संचालन के इंतजाम किए गए हैं। सचिव ने जानकारी दी कि मिलिया स्कूल का उद्देश्य क्वालिटी एजुकेशन के साथ स्टूडेंट को पढ़ाई का स्टाइल ट्यूशन की तरह और अनुशासन विद्यालय की तरह देना है। बता दें कि पहले मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल के 10वीं और 12वीं का परीक्षा केंद्र पूर्णिया में पड़ता था, लेकिन छात्र छात्राओं और अभिभावकों की मांगों को देखते हुए सत्र 2021-22 के एग्जाम सेंटर भागलपुर में ही रखे जाने को एवं रीएडमिशन नहीं लिए जाने का निर्णय लिया गया है। वेरी गुड आफ्टरनून। इस साल हम लोग स्कूल को अब दो शिफ्ट में चलाने का फैसला किया गया है। एक तो मॉर्निंग शिफ्ट ऑलरेडी चल रहा है और दूसरा एक आफ्टरनून शिफ्ट जो सेशन 21-22 से चलेगा। तो इस शिफ्ट में हम लोग क्लास 6 से क्लास 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था करने जा रहे हैं, और हमारा जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड जो इस साल से हम लोग करने जा रहे हैं कि ऐसा रहेगा कि बच्चों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की नीड तो बिल्कुल ही नहीं रहेगी। दूसरा, अभी आप लोग देख रहे होंगे कोरोना काल में पैसे की तंगी सबके साथ है, तो हम लोग एडमिशन फीस मात्र 3900 रुपया रखे हैं, और जो गार्जियन को परेशानी होता था कि नेक्स्ट ईयर में री एडमिशन फी का अलग से देना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल हम लोग खत्म कर दिए हैं। पीरपैंती प्रखंड के 8 पैक्स क्षेत्रों में होने वाले चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हुई, जिसमें ख्वासपुर पैक्स अध्यक्ष पद से पिंटू यादव व छोटू यादव और हरिनकोल पैक्स अध्यक्ष पद से पूर्व पैक्स अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ नामांकन कराने पहुंचे। बता दें कि 8 पैक्स क्षेत्रों से कुल 20 प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पर्चा भरा है, जिसमें हरिनकोल से 3, ख्वासपुर से 3, मोहनपुर मधुबन से 1, आलोकपुर से 1, बाखरपुर से 2, रानी दियारा से 2, मानिकपुर से 1 एवं किशनचक से 7 सदस्य शामिल हैं। किसान के लिए हम लोग खड़ा हुए हैं, 25 साल से जो नहीं किया है, हम सोच रहे हैं कि हम जनता का सेवा करें। यह उद्देश्य नहीं है कि हम जीत ले बाहर रहे, मेरा उद्देश्य नहीं है। हम गाँव से पैदा हैं और गाँव में ही रहेंगे। बहुत समस्या है, खाद नहीं मिलती है, बीज नहीं मिलती है। हमेशा किसान का जो भी समस्या हो उसके लिए भागलपुर हो, प्रखंड में हो, बिहार सरकार से आग्रह करके हम लोग लाने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। जैसे खाद है, बीज है, एंड हम लोग को सरकार से मांग है, यदि चुनाव करवा के लाता जाता है तो उसमें हम लोग को अनुशंसा करने के लिए किसान प्रतिनिधि बनाया जाता है, अनुशंसा करने का मौका नहीं दिया जाता। मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वासुदेवपुर में आटा मिल मालिक पर हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इतना ही नहीं, मारपीट करने के बाद घायल राजेंद्र सिन्हा पर हमलावरों ने तेजाब फेंक कर उसे जलाने की कोशिश की। घटना को लेकर घायल राजेंद्र सिन्हा ने बताया कि बीते 30 साल से वह अपने ससुराल में रह रहे हैं, जिससे नाराज उसकी पत्नी के भाई आशुतोष कुमार एवं उसके सहयोगियों ने जल्द से जल्द घाली करने की धमकी देते हुए देसी कट्टा के बट से उनके सिर पर वार कर उन्हें घायल कर दिया। फिलहाल घायल का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। जो हमारे साला लगते हैं वो आए, दारू पिए हुए थे पूरा,
उनके साथ और भी दो तीन आदमी थे जो हम पहचानते नहीं हैं, और पहले बट से मारे, ये फूट गया, उसके बाद तेजाब छिड़क दिए, हम जान बचा करके किसी तरह भागे। कहलगांव प्रखंड के भोलसर इकचारी दुर्गा स्थान में मंगलवार को अमर शहीद जयदेव प्रसाद की जन्म जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राम प्रकाश चंद्र वर्मा और टीएमबीयू के हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र महतो द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर गणेश दत्त एवं मंच संचालन ओम प्रकाश सिंह ने किया। इस दौरान शहीद के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई एवं वक्ताओं ने उनके संघर्ष एवं उनके द्वारा की गई उल्लेखनीय कार्यों को याद किया, साथ ही उनके मार्गों पर चलने का संकल्प भी लिया। बांका के बौंसी रेफरल अस्पताल में अचानक मरीज वार्ड में शॉर्ट सर्किट हो जाने से तार में आग लग गई, जिस कारण अस्पताल परिसर में थोड़ी देर तक माहौल बदल गया। हालांकि आग पर तुरंत ही काबू पा लिया गया। हादसे में जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का भंडाफोड़ हो गया। बता दें कि अस्पताल में कुछ माह पूर्व भी शॉर्ट सर्किट की घटना घट चुकी है, इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसका नतीजा आज फिर देखने को मिला। अब अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जल जीवन हरियाली दिवस पर पटना में हुआ परिचर्चा का आयोजन, समीक्षा भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े डीएम समेत कई अधिकारी। नगर आयुक्त के नहीं रहने से कचरा उठा, वाहन को नहीं मिल रहा डीजल, बेपटरी हुई शहर की सफाई व्यवस्था। इंटरमीडिएट की परीक्षा से दूसरे दिन भी कई छात्राएं हुई वंचित, परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने किया जमकर हंगामा। भाई के बदले परीक्षा दे रहा मुन्ना भाई गिरफ्तार, जांच के दौरान हुआ खुलासा। और कड़ी सुरक्षा के बीच भी सिंडिकेट की बैठक, विरोध में एबीवीपी ने प्रभारी कुलपति का फूका पुतला। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।